अस्सलाम वालेकुम, फैमिली फिटनेस हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। आज एक नई और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जिसका एक कतरा आपने मक्खन के ऊपर रखकर खा लेना है। सुबह नाश्ते में यकीन जानिए, इसके अंदर वो ताकत पाई जाती है। इस एक कतरे के अंदर मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, फॉर एग्जांपल कि एक बूढ़ा आदमी भी इसको खा ले जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो, बाल सफ़ेद हो, टांगों में जान ना हो, एक कतरा मक्खन के ऊपर रख कर इस टिक्की को खा लेता है, इस्तेमाल कर लेता है, तो इसके अज़ू में इस कदर इंतशार और सख्ती आ जाएगी कि अगर उस शख्स की दो बीवियां हैं तो दोनों को एक ही कमरे में एक ही बिस्तर के ऊपर वो सैराब कर सकता है, यानी दोनों की प्यास बुझा सकता है। आपकी ऐसी बेपनाह ताकत के चर्चे हो जाएंगे। मैं ज़्यादा बोलकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आज की जो वीडियो है, अगर कोई बंदा हकीम को 10-10 लाख रुपए दे तो भी वो नुस्खा नहीं बताएगा। मैं अपने चैनल पर आपको फ़ी सबिल्ला बता रही हूँ, कोई पैसे नहीं ले रही आपसे, सिर्फ आपसे दुआओं की तलबगार हूँ। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, सिर्फ मुझे थोड़ा सा आपसे सपोर्ट चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक रोज़ाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपने जो चीज़ लेनी है वो है 12 अदद देसी अंडे, यानी 12 अदद देसी मुर्गी के अंडे लेने हैं आपने। मैं जानती हूँ अंडों का रेट आजकल आसमानों से बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आप इलाज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको ख़र्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लाखों रुपए हकीमों और डॉक्टरों को दे सकते हैं, उनकी फ़ीसें भर सकते हैं, तो घर में अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर सकते। आपके इलाज के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाथ का इस्तेमाल आपने इतना किया है, मादा नालियों में बहा दिया है, तो आप कैसे इलाज होगा। आपको थोड़े से पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। 12 अदद देसी अंडे लेकर आपने इनको बॉयल कर लेना है, इनको उबाल लेना है और उनकी जर्दियाँ निकाल लें। सफ़ेदी को अलग करके रख दें, सफ़ेदी की हमें ज़रूरत नहीं, चाहे तो खा लें, चाहे तो किसी को दे दें। आपने 12 अंडों की जर्दियों को अच्छे तरीके से खरल करना है, यानी कूट लेना है। उसके बाद कढ़ाही में डालकर आग पर रख दें। जब तक वो स्याह नहीं हो जाती तब तक आग पर पड़ी रहने दें। स्याह होने के बाद इसमें से थोड़ा थोड़ा सा तेल निकल आएगा। आपने ये तेल बड़ी एहतियात के साथ किसी बाउल या शीशी में डालकर महफूज कर लेना है। और फिर आपने 5 कतरे एक टिक्की मक्खन पर लगाकर सुबह नाश्ते में खा लेना है। अगर आप चाहें तो ये तेल आप अपने अज़ू पर भी लगा सकते हैं, 5 कतरे रोज़। जिस रोज़ आप सुबह 5 कतरे लगाकर मक्खन पर खाएं, उसी रोज़ आपने तेल अज़ू पर लगाकर पान का पत्ता बांध देना है। इस कदर यह आपके अज़ू में गर्माइश को पैदा करेगा और जो मक्खन के साथ आप खाएंगे ना 4 कतरे डाल के, दोस्तों इस कदर वो आपको ताकत देंगे, आपके अंदर से सारी कमज़ोरियों को ख़त्म कर देंगे और आपके अंदर ताकतों का समंदर पैदा कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा ताकत रखने वाला ज़बरदस्त टोटका मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।